अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी अजीज़ों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि हमारा मकसद आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है। इसलिए हमारे मौलाना अहमद मीर साहब, जिन्होंने इबादत बंदगी करने के बाद में ये मकाम पाया है कि आपकी हर मुश्किलात का हल आप तक पहुँचाए। जी हाँ, आप हमें कांटेक्ट करते रहते हैं अपनी मुश्किलात के सलूशन के लिए, और हम बार बार नए नए वीडियो से आपके हर मुश्किलात के सलूशन आप लोग तक पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज का वजीफे जमान शुरू करने से पहले हम आपको एक बात से खबरदार करना चाहते हैं। आजकल बहुत से ढोंगी बाबा, पंडित, मौलवी लोगों को बहकाते हैं, पैसे लेते हैं और झूठे वजीफे और वादे दिखाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो ईमान है, विश्वास है, वो वशीकरण की विधियों और जमानों से उठ जाता है। इसकी वजह से जितने भी वीडियो हमारे मौलाना मीर अहमद साहब आप लोग तक पहुंचाते हैं, आप लोग को यकीन नहीं होता। पर यकीन मानिए दोस्तों, हमारे मौलाना अहमद मीर साहब ने इबादत बंदगी करने के बाद में ये मकाम हासिल किया है, और उनको ये कुव्वत मिली है कि वो आपकी हर मुश्किलात आसान कर सकें। इसीलिए आज भी हम एक नया वजीफा और एक नया अमल आपके सामने लेकर आए हैं। ये अमल जो है, एक तरफा प्यार को पाने के लिए है। जी हाँ, इसका टोटका हम आपको बताएंगे, इसकी सारी विधियाँ आपको बताएंगे, इसको किस तरह से जमान में लाया जाना है वो भी हम बताएंगे, उसके सारे तरीके बताने में आएंगे आप लोगों को। अगर आपकी कोई भी मुश्किलात है तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे मौलाना अहमद मीर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे मौलाना आपको जल्द से जल्द अल मुश्किलात का हल आप तक पहुँचाएंगे। जी हाँ, चलिए जानते हैं आपको अपना एक तरफा प्यार किस तरह से हासिल करने के टोटके। इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें एक सफ़ेद प्लेन पेपर लेना होगा, फिर पेन से हमें इसमें एक स्क्वायर बनाना होगा, फिर हमें दो और लाइनें उस स्क्वायर में खींचनी होगी और तीन हॉरिजॉन्टल लाइन हमें खींचनी होगी। अब हमें क्या करना है, सबसे ऊपर ऐसे एरो लगाकर अपना नाम लिखना है। नीचे एरो लगाकर जिससे हम एक तरफा प्यार करते हैं उसका नाम लिखना है। पहले खाने में आपको 9 लिखना है, बीच वाले ऊपर के खाने में आपको अपने अब्बा का नाम लिखना है, आखिरी खाने में आपको 7 लिखना है, फिर इसके नीचे आपको 5 लिखना है, और बीच वाले खाने में आपको लिखना है भूख, फिर आखिरी खाने में 1 लिखना है, आपको 8 लिखना है, और नीचे वाले बीच खाने में आपको जिसको अपने तरफ आकर्षित करना है, जिसका प्यार आप पाना चाहते हैं, उसकी मां का नाम लिखना है, और आखिरी खाने में 6 लिखना है। अब इसे फोल्ड करके आप इसे अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, 7 दिनों में आप जिसे प्यार करते हैं वो प्यार आपके पास दौड़ा चला आएगा। दोस्तों यकीन मानिए इस बात को, क्योंकि ये टोटका अजमाया हुआ है हमारे मौलाना अहमद मीर साहब ने। ये टोटका काफ़ी इबादत बंदगी करने के बाद में हासिल किया हुआ, इसलिए इस टोटके को अमल में लाने के लिए आपको हमेशा आपका ईमान, आपकी नीयत साफ रखनी चाहिए, क्योंकि एक आयात आपकी तकदीर बदल सकता है,
अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो इसका साइड इफेक्ट होगा और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस वजीफे को अमल में लाने के वक्त आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ होगी तब जाके ये वजीफा अच्छे रिजल्ट देगा, वरना नहीं देगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी मुश्किलात है तो हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मौलाना अहमद मीर साहब से कॉन्टैक्ट कीजिए। आप उन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी मुश्किलात का हल आप तक पहुंचा दिया जाए। आजकल के कोरोना वायरस के सिचुएशन में बहुत से लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, अपना प्यार नहीं पा सकते हैं, जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं, परेशान हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में, अपने खानदानी दुश्मनी में, बिजनेस को लेकर, अपने परिवार को लेकर। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको फ़ोन उठाना है और नीचे दिए हुए नंबर पर मौलाना अहमद मीर साहब को कॉन्टैक्ट करना है। आपकी हर मुश्किलात को आसान करने के लिए हमारे मौलाना अहमद मीर साहब हर वक्त मौजूद है। वो आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुशी रखे और आपकी हर बीमारी, बलाएं, आफतें और मुश्किलात दूर हो। अल्लाह हाफिज़।